देखिए, अगर गांधी साहब 2024 का चुनाव लड़ना चाहेंगे तो उनको जल्दी ही अपील दाखिल करनी पड़ेगी। अपील दाखिल करने का समय है उनके पास। अपील दाखिल करने के बाद उनको स्टे ऑफ कन्विक्शन, जो उन पर जजमेंट आई है सजा की, उस पर स्टे लेनी पड़ेगी। ये नहीं कि सिर्फ बेल मिले, पर कन्विक्शन पे स्टे मांगनी पड़ेगी, और अगर उनको मिल जाती है तो फिर वो चुनाव लड़ सकेंगे। लेकिन इस सदस्यता का क्या होगा जो कन्विक्शन पर स्टे हो जाता है, तो क्या सदस्यता बहाल हो सकती है? देखिए, अब यही इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहूँ कि लिली थॉमस की एक जजमेंट थी, और उसके बाद 2018 में लोक प्रहरी आई, लोक प्रहरी वाली जजमेंट, जिसमें लिखा गया कि अगर आपको स्टे ऑफ कन्विक्शन मिल जाता है तो आपकी जो आपके विरुद्ध जो डिसीजन लिया गया सदस्यता खत्म करने के लिए, उस पर रोक लग सकती है। तो ये एक एरिया है जिसमें लोक प्रहरी में एक नया नई ओपनिंग सी उनको मिल गई है कि वो जजमेंट फिर इफेक्ट पे, वो जो सजा अगर स्टे हो गई तो फिर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन इफेक्ट नहीं लेगी। तो ये जो चीज है, इस चीज का फायदा वो उठाना चाहेंगे, लेकिन एक बार ये नोटिफिकेशन हो गई, इनको फिर मेरे हिसाब से जाना पड़ेगा तो स्पीकर के पास कहने के लिए कि देखिए साहब, अब मेरी स्टे हो गई, ये वापस लिया जाए। लेकिन अगर तब तक इलेक्शन अनाउंस हो जाता तो बात अलग है, पर वो जा सकते हैं, और अगर वहां नहीं तो फिर वो कोर्ट जा सकते हैं कि जो मेरी नोटिफिकेशन आई है उस पर रोक लगाई जाए। इसके लिए कोई टाइम फ्रेम है क्या कि कब तक जा सकते हैं, या क्या कुछ 30 दिन 90 दिन कुछ ऐसा? देखिए, ऐसा है, अपील अगेंस्ट एक्विटल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट से हो तो उसमें 30 दिन का समय मिलता है, उनके पास 30 दिन का समय है सेशन जो कोर्ट जाने के लिए। सर, कितने दिन के लिए, अगर मान लीजिए सदस्यता चली गई तो 2 साल की सजा है, उसके बाद कितने दिन तक नहीं लड़ सकते? अगर उनकी सजा कानून में ये लिखा है कि अगर 2 साल की सजा है तो जब वो सजा पूरी होती है, अगर स्टे ऑफ कन्विक्शन नहीं मिलता तो उसके बाद 6 साल और ये डिस्क्वालिफिकेशन चलती है। लेकिन अभी ना सजा शुरू हुई है, अवेलेबल ऑफेंस है, बेल उनका हक है, तो इसलिए वो अप्लाई नहीं करेगी। दूसरी चीज, अभी अपील है, अपील के बाद हाई कोर्ट में रिवीजन है, रिवीजन के बाद सुप्रीम कोर्ट में SLP है, तो अभी इनके पास कई स्टेप्स हैं। मतलब ये सदस्यता खत्म होने के बाद लोकसभा सचिवालय से ये चाहें तो स्टे लेने के बाद फिर ये लोकसभा अध्यक्ष से अपना वापस ले सकते हैं, और ये 2024 का इलेक्शन लड़ सकेंगे अगर इनको स्टे ऑफ कन्विक्शन मिल गया। मिल गया तो।